और बॉलीवुड क्लिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये सब जाकर टिकता कहाँ है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन तुझे खाते देख दिल खुश हो जाता है। खेतों की बिजली के लिए पैसों की जरूरत है, और तेरे अब्बू सरकार से मुफ्त बिजली लेंगे तो नहीं, खुददार जो ठहरे। तो फिर जल्दी से बड़ा आदमी बन जा, इससे पहले कि हमारा दिवाला निकल जाए। इकबाल एक स्पेशल केस है, बोल सुन नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि तुम सब ये ध्यान में रखें। बॉलर है तो अजीत तुम्हारे ग्रुप में खेलेगा। जब तुम्हारे और विकेट के बीच कोई खड़ा हो तो कहानी कुछ और हो जाती है ना। तुम्हारे बॉलिंग में पेस जरूर है, लेकिन जब तक तुम उसे हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करते, तब तक तुम बॉल फेंको या लड्डू, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सॉरी गुरुजी, मैंने जल्दी में पेस के बजाय फेस कह दिया। मैंने कहा कि वो अपने फेस को हथियार बनाए और उसे लड्डू फेंके। आप जरा धीरे बोलिए ना। उसे कहना कि सिर्फ काबिलियत काफी नहीं है, हीरे में भी चमक तभी आती है जब उसे तराशा जाता है। ये कब तक चलता रहेगा? मेरा क्या है, मुझे तो पीना और सोना है। तू अपनी जिंदगी के कीमती दिन बर्बाद कर रहा है। क्या बेहुदा मजाक है, कहो ना इसको अपना वक्त जाया नहीं। अरे जब तक मैं हार नहीं मान लूंगा तब तक तू मानेगा नहीं। ठीक है, कल से मैं तुझे बॉलिंग करना क्या कल से हाँ, अब जा। देर कर दी छोटे आने में, थोड़ी देर और कर लेता तो मेरी बोतल खुल जाती। आजकल अपना विल पावर कुछ ज्यादा करेगा। हाँ ठीक है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। पता नहीं ये मुझसे हो भी पाएगा या नहीं यार, एक दिन कोशिश करके देखते हैं, फिर अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो तू अपना रास्ता पकड़, मैं अपना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू मेरी बात समझेगा कैसे यार? चल
चल चलो विकेट लगाओ। श्री गणेश ही गलत है। बीस साल के बाद भी वक्त की दीमक ने इन बाजुओं को अभी खोखला नहीं किया। एक घूट हो जाए तो फिर ठीक हो जाएगा। एक घूट जस्ट वन, गलत नहीं आज। एक घूट चाहिए मुझे। अरे एक घूट चाहिए, पूरी बोतल थोड़ी मांग रहा। कोचिंग मैं तुझे दे रहा हूं कि तू मुझे दे रहा है? अब मुझे बोलिंग करने की क्या जरूरत है? हाँ, मेरा दिमाग खराब हुआ है? दो चार बातें सिखा दूंगा, फिर उसके बाद बोलिंग तो करनी तो तुझे ही है। आखिर कोच तो मैं हूं ना। आज के लिए इतना काफी, खत्म। मुझे मालूम था तू कुछ ऐसा ही बोलेगा। पहले तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम आपस में बात कैसे करेंगे। अगर अब्बू को मालूम हुआ कि मैं स्कूल को पटमार कर यहाँ पर बैठी हूँ तो मुझे मार डालेंगे। ठीक है, बोलो क्या बात है। मुझे जितना आता है मैं इसे सिखा दूंगा। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, इतनी शराब पी है मैंने। अपनी इस लेक्चरबाजी के लिए मुझे यहाँ पर बुलाता है, आपको कुछ और ही कहना है? आप मुझे जरा भी पसंद नहीं करती ना। मैं अपने भाई को फिर से दुखी नहीं देखना चाहती, और वैसे भी ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। तुम फिर से पीना शुरू कर दोगे। मैं भी उसी ही कह रहा था, पर ये माने तब ना। लेकिन जब तक हम दोनों इस खेल में अटके हुए हैं तो आप जरा मेहरबानी करके मुझे बर्दाश्त करने का थोड़ा सा नाटक कर लें तो हमारे लिए जरा आसानी होगी। खुदा कहता है कि शराब पीना बुरी बात है। खुदा तो बहुत कुछ कहता है, मैं इसीलिए शराब पीता हूँ कि उसकी आवाज मेरे कानों तक ना पहुंच सके। अब अगर आपने मेरे गुनाहों का हिसाब करना पूरा कर लिया हो तो हम कुछ काम करना शुरू करें। नमस्ते, मैं मोहित इकबाल और मैं क्रिकेट कोचिंग। माफ कीजिए, मैं आपको अंदर नहीं बुला सकती। इकबाल के अब्बू क्रिकेट लव से बड़ी नफरत करते हैं। हाँ मैं जानता हूँ, मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा। कल इकबाल का जन्मदिन है, उसे ये दे दीजिएगा। जूते हैं, ये मत बताइएगा कि मेरी तरफ से हैं, वरना शायद वो इनकार करते हैं। लेकिन मैं इसे, देखिए इनके बगैर वो लोग उसे मैदान में उतरने नहीं देंगे। उसकी तरफ से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। सुनिए, उसको नाउम्मीद मत होने दीजिए। कोशिश करूँगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको जान से मार दूंगी। इस घर की औरतें बहुत खतरनाक होती हैं। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी पहले ही मुझे धमका चुकी है। मुझे मालूम है ये ज़रा अजीब सा रिक्वेस्ट है, लेकिन मेरे साथ एक लड़का आया है जो मुझे लगता है इस टीम में खेलने के लायक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से? वो किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए खेला नहीं है,
कौन से लीग टीम के लिए खेला है? वो किसी भी टीम के लिए खेला नहीं। किसी भी टीम के लिए नहीं, यानी किसी भी टीम के लिए खेला नहीं है। देखिए, अगर हम हर गली के खिलाड़ी को यूं ही देखते बैठ जाएं, तो हमें महीनों लग जाएंगे। मैं सिर्फ चंद मिनट मांग रहा हूं आपसे, प्लीज। सर, ये नामुमकिन है। सिर्फ 10 मिनट, लंच ब्रेक में। सिर्फ 10 मिनट, प्लीज। I hope I'll make it, Dad. हो जाएगा, हो जाएगा। हेलो गुंगे, तुम सिर्फ अपना गेम पर ध्यान दो, राइट? क्या हुआ? 5 मिनट मिले हैं। बस 5 मिनट? लंच ब्रेक में। इतना वक्त काफी होगा? बहुत है, बहुत है। अच्छा, आपका अल्लाह मियां आपकी बात सुनता है क्या? हाँ, हमेशा। तो जरा आवाज लगाइए। मेरा भगवान तो कब से नाराज बैठा है मुझसे। मोहित जी, मैं जानती हूँ कि तुम बाथरूम किस लिए गए थे, लेकिन मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है। थैंक यू। आप विकेट कीपर, 2 कदम पीछे। क्या ये लगातार ऐसे बोल कर सकता है? दिन भर। स्पीड तो अच्छी है, लेकिन निशाना कैसा है? हाँ, 1 मिनट। आपका लड़का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन आप उसे टीम में नहीं रख सकते। सॉरी, टीम में कोई जगह नहीं है। बाय सर। बाय सुनील। बाय सर। देखिए, मैं आपको कोई वजह तो नहीं बता सकता। नहीं है सर। 1 मिनट सर। 1 मिनट। आंध्रा टीम में एक वैकेंसी है, आप कहे तो उस लड़के को मैं उस टीम में जगह दिला सकता हूँ। नहीं, मानता हूँ कि वो एक कमजोर टीम है रणजी लीग में, लेकिन रणजी टीम तो है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अम्मी, मुझे आपकी जरूरत है, कल फाइनल्स है। मैं कोशिश करूंगी मेरे लाल। नो कोशिश, कोशिश आना पड़ेगा। तुमने कहा तो नहीं, पर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, ज्यादा तो नहीं हो गया? आप प्लीज आ जाइए। क्या मैं ये पूछने की जहमत भी करूं कि कहां जा रही हो? आज नहीं शायद, आज नहीं, खुदा के लिए आज नहीं। बैंक ने हमारी बाकी की जमीन भी जब्त कर ली है, हम बर्बाद हो गए हैं। फिर भी जाना पड़ेगा अनवर, मेरे बेटे का साथ देने। मेरा साथ छोड़कर? ये नौबत आई क्यों अनवर? उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि मुझे अब दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ रहा है? सोचा था आप कभी तो अपने बेटे को समझ पाएंगे। वो अपने सपनों के लिए जीता है अनवर। बस बहुत हो गया,
जब से इकबाल पैदा हुआ है मैं यही बकवास सुनता आ रहा हूँ। सपनों से किसी का पेट नहीं भरता, सपनों से हमारी जमीन वापस नहीं आ जाएगी। तुमसे उसे मिला भी तो क्या, उस बेकार खेल का पागलपन और बेहिसाब जुनून। और आपसे आपकी लगन, ये क्यों नहीं दिखता आपको? एक मामूली खेल हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा ये कभी सोचा ही नहीं था। बात उस खेल की कभी थी नहीं अनवर, कभी थी नहीं। मैंने जो किया उसके खातिर किया। आप जानते हैं ये सच नहीं है। उसके कल के लिए एक बाप का फर्ज तो खूब निभाया, लेकिन अपनी मुसीबतों के लिए उसे गुनहगार ठहराया। ये सच नहीं है। 3 साल सूखे की वजह वो नहीं है, आपकी जमीन बिकने की वजह वो नहीं है, अपने धंधे में जो गलतियां की उसकी वजह वो नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी की इतनी सारी खुशियों की वजह वही है अनवर। उसे मेरी तकदीर से मारना था साहिदा, मुझे इस मामूली और बेबस जिंदगी से उबारना था साहिदा। और वो यही करेगा। आप अभी तक उसे ठीक तरह से समझ नहीं पाए। ये मैंने क्या कर दिया साहिदा, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। माफी तो किसी और से मांगनी है आपको। हेलो इकबाल, एक मिनट बात हो सकती है? होंठ पढ़ सकते हो ना? क्या हम बैठ नहीं सकते? चलो तुम्हारी मर्जी। अफसोस कि तुम्हें एकेडमी छोड़नी पड़ी, लेकिन तुम जानते हो कि उस वक्त कोई और रास्ता नहीं था। असल में प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त इंडियन टीम को एक बैट्समैन की जरूरत है, बॉलर की नहीं, और वो बैट्समैन कमाल है। सुनो, कल जब तुम्हारी टीम फील्ड पर होगी तो तुम अच्छी बॉलिंग नहीं करोगे, खास तौर पर जब कमल बैटिंग कर रहा हो। कमल की शानदार बैटिंग के जोर पर उसकी टीम जीतेगी, तो इसमें तुम्हारा फायदा क्या है? आज मैं कमल के लिए सौदा कर रहा हूं, कल तुम्हारे लिए करूंगा। तुम इंडियन टीम में खेलोगे लेकिन इस साल नहीं। इट्स अ फेयर डील। और ये साबित करने के लिए ये लो 25 लाख का चेक, अपने बाप की जमीनें वापस लाने के लिए। तो ये सौदा करके तुम न सिर्फ एक अच्छे खिलाड़ी बनोगे बल्कि एक अच्छे बेटे भी। अगर तुमने ना कहा एंड आई हिट दिस पार्ट, लेकिन अगर तुम ये सौदे से इनकार करते तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं तुम्हें कभी इंडियन टीम में खेलने नहीं दूंगा, ना आज ना कल ना कभी। और अगर तुम समझते हो कि मेरी इतनी पहुंच नहीं है तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। मैं तुम्हारी खामोशी को हां समझूं, पैसा, बाप की खुशी, अगले साल इंडियन टीम में खेलने का मौका, ऐसे मौके से एक नादान ही मुंह मोड़ सकता है। तुम अपने गेम प्लान से भटकते जा रहे हो छोटे। बैट्समैन को अपने दिमाग में झांकने दे रहे हो। ये हुई ना समझदार बात। मैंने कहा था ना, दिमाग का खेल, दिल से। मैं जानता हूं क्या हो रहा है। हाँ जानता हूं। देख, तुझे अपने सपनों पे भरोसा है ना, तो सारा जहां,
साजिश करेगा उन्हें पूरा करने की। पता नहीं इसका क्या मतलब होता है, मेरी भी समझ नहीं आया। किसी ने कहा, अरे मैंने सोचा कह दूं कि तेरा मूड ठीक हो जाए। अरे कोच का यही तो काम है, कुछ बेकार सा भाषण दो ताकि प्लेयर्स का हौसला बढ़े। किसने क्या कहा, ये कि सारा जहां साजिश, अरे वो है ना, वो क्या था वो एजेंट, आई एम सतीश पाटवडेकर, वो हेलो आई एम सतीश पाटवडेकर है ना वो। बहुत अफसोस की बात है, सिलेक्टर आए ही नहीं। मैच में 12 विकेट लेने के बाद और मैच जीतने के बाद भी अगर इंडिया की टीम में नहीं सेलेक्ट हुए तो पता नहीं कैसे हो गए। You treacherous क्या बात है? मोहित, ये हमारा आपस का मामला है, हमारे बीच सौदा हुआ था। वेरी टचिंग, चेला अपने गुरु को संभाल रहा है। तुमने मेरी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की। अब देखता हूं कौन और कैसे तुम्हें इंडियन टीम में लेता है। पूरी उम्र तू और तेरा ये शराबी गुरु खेतों में क्रिकेट खेलते रहे। हां, जहां रहा सवाल खेतों का, तेरे बाप को बर्बाद करके ही रहूंगा।